आधार कार्ड अब सबके पास है, और ये स्कीम जो है वो मनमोहन सिंह लेकर आए थे जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। और आपको ये भी बता दें कि अब आधार कार्ड बनाए हुए आप लोगों को बहुत से साल हो चुके हैं, लेकिन आप लोग ये बात भूल चुके हैं जब आपने आधार कार्ड बनवाए थे 10 साल से ऊपर हो चुका है अब समय, और अब आधार कार्ड को अपग्रेड कराना होगा। और ये फैसला जो है वो लिया गया है कि आप आधार कार्ड को अपडेट करवाएंगे और आधार कार्ड की जो वैलिडेशन है उसे भी जो है वो बढ़ाया जाएगा। यानी आप कहीं भी जाते हैं आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, एक छोटा सा भी आप काम करते हैं उसके लिए भी आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। और बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की बात करें नरेंद्र मोदी की, उनमें आधार कार्ड की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। और आधार कार्ड के बिना आपका कोई भी फॉर्म फिल नहीं होता, आधार कार्ड के बिना आपकी हर एक चीज अधूरी रहती है। छोटे से छोटा काम करने के लिए, चाहे वो बैंक रिलेटेड हो, चाहे कोई फॉर्म भरना हो, चाहे कोई घरेलू काम हो, कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम हो, उसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि 3 महीने तक आधार कार्ड की अपडेशन जो है वो बिल्कुल फ्री में की जाएगी, यानी एक पैसा भी जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये एक नई स्कीम है और इसके तहत जितने भी लोग हैं जो आधार कार्ड को अपग्रेड करवाना चाहते हैं, यानी जिनके आधार कार्ड में कुछ गलती है, कुछ एड्रेस चेंज है, कुछ नाम है, जो अपग्रेड कराना चाहते हैं, उनके लिए आधार कार्ड जो है अब बिल्कुल फ्री में होगा। और 3 महीने तक जो ये है इसकी वैलिडिटी है, 15 मार्च से ये शुरू होगा और जून 22 तक जो है आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और आपको जाना कहाँ है, सबसे पहले आपको ये बता दे, माफ कीजिएगा, जून 14 तक, इस पीरियड तक जो है वो आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसा कार्ड है जिसे कहते हैं हर बंदे का अपना आधार, और उस आधार के तले आपको माय आधार पोर्टल पर जाना है। और कहां पर जाना है आपको, myaadhar.uidai.government.in, और आपको यहां पर जो है अपने आप को अपडेट करना है, यानी अपने आधार को अपडेट करना है। अगर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं वहां पर जो चार्जेस हैं वो 50 रुपए लगने वाले। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये भी बता दे कि अपडेट रेगुलेशन 2016 के अनुसार आधार कार्ड को बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब आपके आधार कार्ड को अपडेट कराने की जरूरत है। आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो होगा आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आप अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है एक बार फिर से लगाने वाले हैं और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो आप देने वाले हैं। यानी आपको एक बार फिर से जो है वो आधार कार्ड के लिए भागदौड़ तो नहीं करनी है, लेकिन अपने आधार कार्ड को अपडेट जो है वो जरूर करना है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है जिसमें आप कहाँ के निवासी हैं, आपको एक वो रेजिडेंट प्रमाण पत्र देना है और उसके साथ साथ आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी देना है। और ये भी कहा गया है ये दोनों जो है वो आपके आई कार्ड को जो है वो अपग्रेड करेंगे। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आगे ये कहा गया है कि इस साल जो है बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को भी और रिड्यूस किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर घर के मुखिया ने अपना आधार कार्ड जो है वो अपडेट कर दिया है, यानी राशन कार्ड पर एक आपके घर के मुखिया का नाम होता है, वो किसी दादाजी या आपके फादर का नाम हो सकता है, अब ये कहा जा रहा है कि जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है उसे रिड्यूस किया जाएगा। और किस तरह से, अगर आपके घर का एक मुखिया वहां पर फिंगरप्रिंट को अपडेट कराएगा तो उससे भी जो है ऐसी स्कीम चलाई जा रही है कि पूरी फैमिली का जो आधार एड्रेस है वो अपडेट किया जा सके, यानी हेड ऑफ फैमिली के अपग्रेडेशन के बाद में जो है वो आधार कार्ड को अपग्रेड किया जा सके। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ये बता दें कि जो फाइनेंशियली बजट था 2022 से 23 तक का, उसका जो है यहाँ पर जितना बजट एस्टीमेट था वो था 1,110 करोड़, जिसके अनुसार जो आधार कार्ड इश्यूइंग अथॉरिटी है वो इससे दुगना खर्च कर चुकी है और वो टोटल कीमत है 1,325.41 करोड़। फरवरी 2023 तक जो है वो यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं इससे ज्यादा जो है वो स्पेंड कर चुकी है। और इसमें साथ साथ और भी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी आप अपना घर चेंज करते हैं, कभी आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड का नंबर वही रहता है और आपका नाम भी वही रहता है, लेकिन उसके बीच में जो है आपका एड्रेस चेंज होता है, तो आपको अब वो करना जो है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जो आने वाले समय में, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आने वाले समय में जो आधार कार्ड के बेनिफिट्स होंगे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। और आधार डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने के लिए ऑनलाइन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है,
मार्च 15 से जून 14 2023 तक जो है आप इस काम को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, आधार कार्ड वाले काम को। आधार पोर्टल पे आपको जाना है और माई आधार पोर्टल पे जाने के बाद में आपको जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो लगाना जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड को बने हुए अब 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और एक बार आपको इसे अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। नहीं तो प्रधानमंत्री आने वाले समय में बहुत सी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, आप उनका फायदा नहीं ले पाएंगे, अकॉर्डिंग टू ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी स्टेटमेंट के द्वारा। और यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, 500 से ऊपर ऊपर की जो स्कीम चल रही हैं, फिर आप उनके लिए जो है यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे अपने आप को रजिस्टर। और यहाँ पर ये भी बता दें कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि नियरली 1200 गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम जो है वो चलने वाले हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। अगर आप आधार कार्ड को जल्दी से अपग्रेड करवा लेते हैं तो आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। अदर सर्विसेज की बात करते हैं इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक एंड NFC बैंक, ये सारी चीज़ें जो है वो आधार के साथ लिंक की जाती हैं। और रेगुलेशन आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन रेगुलेशन 2016 के अनुसार 10 साल से ऊपर वाले लोग जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक उनका आधार कार्ड अब किसी काम का नहीं रहेगा, ना ही उनके काम होगी। अगर आपको 1200 ज़्यादा स्कीम्स का फायदा लेना है, 1200 से प्लस स्कीम्स का फायदा लेना है, चाहे वो सेंटर की है चाहे वो स्टेट की है, तो आपको आधार कार्ड को अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल से ऊपर जो है ये हो चुका है, अगर आप करवाएंगे तो बेनिफिटेड होगा आपको आने वाले।